नमस्कार दोस्तों, शशांक नीरज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स पर कि भारत की जो प्रमुख रियासतें थी, कुछ भारत में जो मिलना चाहती थी, कुछ भारत में नहीं मिलना चाहती थी, उनकी आपसी क्या दुविधाएं थी, इन सब पर हम क्रमवार वीडियोस बनाएंगे। लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा समझा जाए प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, रियासतों के बारे में, फिर एक एक करके कि कौन कौन सी रियासतें हैं जो भारत में नहीं शामिल होना चाहती थी, उनको किस तरीके से मेहनत करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शामिल किया, और भी किनका किनका योगदान था उसमें, हम लोग एक एक करके क्रमवार उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन इस आज़ादी के बावजूद भी हम बहुत ही विखंडित स्वरूप में थे, क्योंकि उस समय भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 रियासतें थीं, जिनमें से कुछ भारत में मिलना चाहती थी, कुछ रियासतें भारत में नहीं मिलना चाहती थी, तो कुछ रियासतें ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट अपना राष्ट्र घोषित करना चाहती थी, स्वयं में एक राष्ट्र बनना चाहती थी, मतलब कुछ पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी, कुछ हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहती थी, और कुछ इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। तो 565 रियासतों का इस तरीके से वितरण होना था। लेकिन इसके पूर्व जरा हम एक नज़र डालें तो भारत में जो रियासतें थी वो किस तरीके से क्लासिफाइड हैं। भारत की जो रियासतें हैं वो ये तीन तरीके से क्लासिफाइड हैं। पहले तो ब्रिटिश इंडिया रियासत, मींस ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट्स। इससे क्या अभिप्राय है? ब्रिटिश इंडिया रियासत से सीधा मतलब हमारा कि ऐसी रियासत जिस पर सीधा इंग्लैंड के गवर्नर जनरल का अधिकार होता था, उसे हैंडल कौन करता था? ब्रिटिश के, इंग्लैंड के गवर्नर जनरल। किसको? ब्रिटिश इंडिया रियासत। जितनी ऐसी रियासतें थी जिस पर इंग्लैंड के गवर्नर जनरल का सीधा अधिकार होता था, उसको किस श्रेणी में रख रहे हैं हम? ब्रिटिश इंडिया रियासत। दूसरी कैसी रियासतें भारत में थी? देसी राज्य वाली रियासतें, मतलब नेटिव इंडियन स्टेट्स जो थे। ये नेटिव इंडियन स्टेट्स, मतलब जो देसी राज्य थे, ये राजा के अधीन हुआ करते थे, जो भारतीय राजा हुआ करते थे उनके अधीन ये रियासतें हुआ करती थी। लेकिन राजा के अधीन होने के बावजूद भी वह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही काम करते थे। यद्यपि यह रियासतें राजा के अधीन थी, फिर भी वह स्वतंत्र रूप से राजा उस पर कोई अधिकार नहीं जता सकता था, क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम करते थे। तीसरी तरह की जो रियासतें मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ वो कॉलोनियल एरिया ऑफ फ्रांस एंड पुर्तगाल। फ्रांस और पुर्तगाल के जो औपनिवेशिक क्षेत्र थे, जैसे गोवा हो गया, चंदनपुर हो गया, सॉरी चंदननगर हो गया, पौंडिचेरी हो गया, ये सब जो थी इन्हें फ्रांस और पुर्तगाल के कॉलोनियल एरिया वाली रियासतों की श्रेणी में हम रख रहे हैं। तीन तरह की रियासतें मैंने आपको समझाया। एक ब्रिटिश इंडिया रियासत जिस पर इंग्लैंड के गवर्नर जनरल का अधिकार होता था। दूसरा देसी राज्य की रियासतें जिस पर राजा का नियंत्रण होता था लेकिन ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। तीसरा मैंने क्या बताया? फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेशिक क्षेत्र, जिसमें गोवा है, चंदननगर है, पौंडिचेरी इत्यादि, ऐसे छोटे मोटे राज्य, छोटे मोटे छोटी मोटी रियासतों और शहर थे। तो अब इन सबको मैंने तीन श्रेणियों में विभाजित कर दिया। तो ये तीनों ही श्रेणी की रियासतों में कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत के साथ, चूँकि जब हमारा भारत बटा तो मतलब हम आज़ाद तो हुए 1947 में, लेकिन उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा कि एक भारत के दो टुकड़े हो गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की भी यही मंशा थी कि कुछ रियासतें उनके साथ मिल जाएं, उनकी तरफ आ जाएं, और कुछ रियासतें ऐसा चाहती भी थी जो पाकिस्तान में मिलने की इच्छुक भी थी। तो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन रियासतों के सामने 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 जो ये रियासतें थी, इनके सामने उन्होंने तीन विकल्प रखा कि कुछ रियासतें जो मिलना चाहती हों भारत के साथ वो भारत से मिल जाएं, कुछ रियासतें भारत से नहीं मिल रही हैं तो वो पाकिस्तान से मिल जाएं, और इसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसी रियासतें हैं जो भारत से भी नहीं मिलना चाहती हैं, पाकिस्तान से भी नहीं मिलना चाहती हैं, तो वह स्वयं में एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करें। अब हमारे सामने मुद्दा उठता है दोस्तों कि कौन कौन सी ऐसी रियासतें हैं जो भारत में मिलना चाहती थी, जो मिलना चाहती वो तो शहर से मिल गई, तो कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, मींस प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूजिंग टू मीट इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे रियासतें थी जो भारत में मिलने से मना कर रही थी, यही बड़ा मुद्दा बन जाता है, यही बड़ा टॉपिक बन जाता है। इनको किस तरीके से मोल्ड करके, मोड़ करके,
सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम उस समय के तटस्थ और मेहनती नेताओं ने जो राष्ट्र को और मजबूत करते थे, उन्होंने किस तरीके से मेहनत करके इन रिफ्यूजिंग स्टेट्स को जो इनकार कर रही थी आने से भारत में, उनको भी भारत में मिलाया। इसमें हैदराबाद जैसी रियासत भी है, जम्मू कश्मीर जैसी रियासत भी है, इन सब पर हम क्रमवार बात करेंगे। तो कल की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऐसी रियासतें जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी उनको भारत में मिलाया गया है। अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं मैं लेकर के हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।